उनके हाथों में देखने को मिला, बट वॉकआउट एक बढ़िया शुरुआत उनकी यहाँ पे होती हुई। रेज गॉड उनको भी डाउन किया गया, मिस्टर स्प्रे आगे जाने की कोशिश करेंगे बट कोई भी कवर फायर उनको वहां पे मिला नहीं और शायद मिस्टर स्प्रे खत्म हो गए। जी नहीं, अभी भी वहां पे बचे रहेंगे बट आदित्य इसे के साथ डाउन किए यार। एक बहुत ज्यादा बढ़िया स्पॉट पे बट हिटमैन बिल्कुल अंदाजा नहीं उनके बगल में। ओ नहीं केएसआर वो यहाँ पे उतर गए बट अब केएसआर वो सर हिटमैन मौका नहीं दिया। बट क्या वहां पे सारंग को रिवाइव किया जा सकता है? जी नहीं, आदित्य पीछे मौजूद रहेंगे। सारंग को खत्म किया गया। ओआर एक अच्छी शुरुआत, अभी भी जोन कैच पे वो मौजूद रहेंगे बट अलादीन का एक रिटर्न फायर आता हुआ। अलादीन अंदाजा नहीं बट स्क्रीन थोड़ी देर के लिए और उनको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। सावितार उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं आ गया कि जस्ट प्रोन हुए स्क्रीन के नाम जाएगा एक और फिनिश। सावितार खत्म बट स्प्रे गॉड एक बढ़िया ग्रेनेड कुक करते हुए आपको दिखाई देंगे। स्क्रीन को अंदाजा चला हेल गॉड वो भी निकलेंगे। बीबी की स्क्वाड उनको सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा। स्प्रे गॉड उनको भी जाना स्क्रीन सामने मौजूद रहेंगे। देखा बिल्कुल उनको अंदाजा नहीं पड़ा बट आप शायद देख लिया पहले एक और बढ़िया ग्रेनेड स्क्रीन। क्या बेहतरीन गेम प्ले इस वक्त इस खिलाड़ी के द्वारा में देखने को मिलता हुआ। अलादीन सामने मौजूद मोस्ट प्रोबब्ली ये वाला ग्रेड खत्म करेगा 7C की स्क्वाड को। स्क्रीन चार फिनिश यहां पर वो जो ग्रेनेड्स थे आए इट वाज अ प्योर प्योर ईज जिस तरीके से यहां पर फाइट निकाल दिया। हालांकि हैदराबाद राइडर्स के कैरी की बात करी जाए उनके साथ बोले बचे टू डाउन भी हो चुके। मैक्सी की तरफ से कोशिश हो रही है कुछ ना कुछ करके फाइट निकाल दी जा सके। एस ब्लैक और मैक्सी बचे हुए हैदराबाद राइडर्स मार्कोस के ऊपर हावी होना चाहते हैं बट मोस्ट प्रोबब्ली उनके पास एक बढ़िया शैक आएगा वहां पे रुकेंगे इंतजार करेंगे। आरई स्पोर्ट्स एक परफेक्ट रूट सेंसर आया। आप देखिए फीएस किश भी बहुत कम है पहले सेंसी को ये लोग खो चुके हैं और ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं उनके ऊपर लेकिन उन सब चीजों के बीच में स्नैक्स को ही डाउन किया जाएगा। रिवाइवल की प्रक्रिया वहां पर भी शुरू यहां पर भी शुरू बट स्नैक्स को फिनिश किया जाएगा। एक्सो के दो प्लेयर्स एक को एक गोली पड़ेगी फीएस से लेकिन उनका ग्रेनेड ओ माय गॉड फीएस का ग्रेनेड यहां पर एक प्लेयर को लेकर के जाता है। दो को वापस है फीएस ने अपना बोलबाला शुरू कर दिया बट पंक अगर ये गए तो एक्सो जाएगी। सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है फीएस इनके पास आना चाहते हैं रिवाइव होने के लिए। हेलमेट गया गुजरा हो चुका है वेस्ट गई गुजरी हो चुकी है शायद उनको रिवाइव ना किया जा सके। क्या करने वाले उनके ऊपर से यहां पर फर्स्ट एड उठाया उन दो फिनिशेस गॉब्लिन खत्म हेक्टर 34 टोटल फर्स्ट एड बट काइनेटिक गॉड खत्म। बड़ा स्क्रीम को देखे ओशन वो खिलाड़ी अभी भी यहां पे सर्वाइव करता हुआ मिस्टर स्प्रे के द्वारा डाउन किए गए। अक्षत खत्म हो गए दो खिलाड़ी वॉकआउट्स के अभी भी सरवाइव करेंगे। 8 फिनिशेस ऑलरेडी इनके पास है नोवा इनके सामने एंड इन फैक्ट टेक डाउन डेफिनेटली प्लेयर्स को करते नजर आ रहे वॉकआउट्स के प्लेयर्स। एक अच्छा ग्रेनेड ऊपर की तरफ को लेकर के जाना चाहते जरूर है हालांकि इसके जरूर करेंगे अपने लिए एक फिनिश नंबर बनाएंगे। टीम जाने वाले एक फिर को स्पॉट कर चुके जो कि रहने वाले आरू इविल्स का की एचपी यहां पर फुली बूस्टेड है। जरूर आरू यहां पर एकदम से नहीं कोशिश उनकी हो सकती है हालांकि शॉट पड़े हैं इविल्स का की एचपी बहुत ज्यादा कम यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। ग्रेनेड आएगा और ग्रेनेड उनको लेकर के जाएगा ओवर सर्कल के अंदर है। ओवर यहां पर नाच रही है और अगले 10 फर्स्ट एड्स के बाद हेक्टर के लिए भी दिक्कतें हो सकती है। 9 फर्स्ट एड 2000 से ऊपर का हीलिंग ये प्लेयर कर चुका है उसमें 75 और जोड़ दीजिए साथ के साथ बूस्टेड अमाउंट जोड़ दीजिए 2137 और नंबर्स बढ़ते रहेंगे बट ओआर है सर्कल के अंदर। अगले 43 सेकंड में देखिए 8वां जोन भी क्लोज इन होगा। आरू दूर दराज के एरिया पर देख रहे हैं आदित्य कहीं ना कहीं तो देख रहे हैं इमोट करना शुरू करना चाहेंगे शायद या अपने टीममेट को ग्रेनेड ये क्या कर रहे हैं जली ग्रेनेड तो खोला जरूर है बट क्या किसी पर जाएगा इंपॉर्टेंट सवाल क्या अभी तो नहीं बट ओआर के प्लेयर्स को ये गेम मिल चुका है काफी ज्यादा खुश रहेंगे। 20 का डैमेज अपनी टीममेट को नहीं दिया इन्होंने चलिए ऐसे भी लोग होते हैं क्लासिक में काफी बार मिलते हैं बट खैर यहां पर तो हम देख सकते हैं कॉम्पी में कर जरूर रहे। आरू साइड बाय साइड घूम रहे हैं और वहीं पर लगभग 2500 की हीलिंग करने के बाद जीवित सोल हेक्टर टीम को लेकर के आते हुए दूसरे पायदान तक। जो टीम जिसका आखिरी प्लेयर तब बचा जब 10 टीमें जीवित थी दूसरे तक सोल हेक्टर लेकर के आ चुके हैं। क्या इनकी साइड से कुछ होगा थोड़े बहुत गोलियों के शॉट को टीज करना चाहते थे। 2651 की हीलिंग के साथ सलाम बोलेंगे अपने प्रतिद्वंदियों में। देखा यहां पे देख रहे हैं ओवरऑल एक बढ़िया गेम उनका चल रहा है बट UP57 अलग गेम प्ले देखा था और अब आप देखें बहुत ही थोड़ा नीचे आए जरूर बट अभी भी टॉप 16 में वो बने रहेंगे। चलते हैं दूसरे पेज की तरफ वहां पे जो बाकी टीम्स हैं उनको देखेंगे उनका प्रदर्शन किस तरीके से रहा। FS एक चिकन के साथ 82 अंक के साथ 10वां पायदान उन्होंने ले लिया और ये बात आप देखिए अब